हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे श्रीखंड। और श्रीखंड ये गुजराती रेसिपी है। ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि गुजरात में ही नहीं पूरी दुनिया में खाना इसे सभी पसंद करते हैं। बहुत ही फेमस है ये गुजरात में। तो आज हम श्रीखंड बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। ख़ासतौर इसे आप गर्मी में बनाइए तो और भी टेस्टी होगा। घर पर बड़े हों या बच्चे हों, सभी को खिलाइए। तो ये श्रीखंड बनेगा दही से। मैंने यहाँ पे देखिए दही ले रखा है, जिसे कड़क बोलते हैं। और ये दही मेरा 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो दही है। ये होममेड दही है। आप होममेड दही या फिर मार्केट वाली दही भी ले सकते हैं श्रीखंड बनाने के लिए। और हमें क्या चाहिए वो भी आप देख लीजिए। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ले रखे हैं। यहाँ पर मैंने काजू ले रखा है, बादाम, पिस्ता, थोड़े से मैंने इलायची का पाउडर ले रखा है और पीसी हुई चीनी। ध्यान रखिए इसमें पीसी हुई चीनी का ही यूज करें आप। और चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रखते हैं ये इसे साइड में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम बाउल में डालेंगे एक कपड़ा और कपड़े में हम छानेंगे दही को। इस तरीके से कोई साफ़ कपड़ा आप ले लीजिए और उसी में दही को छानिए। और इसके ऊपर अब हम डाल देते हैं ये सारी दही। और अच्छे से हमें दही को छानना है, पानी इसका निकाल देना है। दही को डालने के बाद हम इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे और ऐसे हमें सारे पानी को निकाल देना है। आपको दबाना नहीं है बिल्कुल, बस थोड़ा सा यहाँ तक ले जाइए आप। और इसमें कोशिश करिए कि कपड़े से, जो ये साइड में कपड़ा बचा रहे उससे इस तरीके से घुमा के थोड़ा सा गांठ लगा दीजिए और टाइट ही लगाइएगा, जिससे पानी सारा निकल जाए। मैंने इसमें गांठ लगा दी है और आपको दबाना नहीं है इसको कि दबा के निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए जो पानी इसमें निकलता है इसे फेंकना नहीं है। इससे आप ग्रेवी बना सकते हैं और कढ़ी में भी डाल सकते हैं इस पानी को। तो अब हम ले लेते हैं दूसरा वाला बाउल इस तरीके से, जिसमें हमने दही रखी थी। और इसे हम साइड में इस तरीके से रखते हैं। आप कहीं पे इसे लटका दीजिए इस तरीके से और जो भी पानी होगा इसका ऐसे टपकते हुए निकल जाएगा। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं इस तरीके से साइड में करके ऐसे छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए, पानी सारा नीचे आ जाए। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है, ये देखिए। और अब दही से पानी नहीं टपक रहा है। तो इसे रखते हैं हम साइड में और ले लेते हैं अपना दूसरा बाउल। और बाउल में हम अपनी सारी दही को खोलकर गांठ निकाल लेते हैं। दही में देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है, ये देखिए। तो इसे हम इस तरीके से डाल लेते हैं बाउल में। ध्यान रखिए आपको साफ़ कपड़ा ही लेना होगा। और अब हम दही को फेंटेंगे। दही में देखिए पानी बिल्कुल नहीं है। श्रीखंड ऐसे ही बनाया जाता है। ये देखिए एक छोटी सी स्पून ले रखी है और इससे हम इस तरीके से दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और देखिए फेंटने के बाद कुछ इस तरीके से दही हो जाती है। तो मीठा आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, आपको मीठा कितना खाना पसंद है। तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल देती हूँ चीनी। पीसी हुई चीनी का ही यूज करना होगा इसमें। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फेंटते हुए। अच्छे से चीनी को डालने के बाद मैंने देखिए इसे फेंट दिया है और अच्छे से ही फेंटना होगा। पीसी चीनी का ही यूज करिएगा आप। और अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ कटे हुए बादाम, बहुत थोड़ा सा। और थोड़ा सा डाल देते हैं हम काजू, थोड़ा सा बचा लेंगे अभी गार्निशिंग के लिए। और अच्छे से इसे भी साथ में मिक्स कर लेते हैं हम। अच्छे से देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है और श्रीखंड हमारा बनकर तैयार है। देखिए बिल्कुल इसे गुजरात में बनाया जाता है और काफ़ी पसंद किया जाता है। तो इसे रखते हैं हम साइड में अपने श्रीखंड को और ले लेते हैं एक कटोरी। और कटोरी में हम सर्व करते हैं। आप इसे लंच या डिनर करने के बाद घर लाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। एक प्लेट में हमने श्रीखंड को अपने सर्व कर लिया है और देखिए देखने में कितना ज़्यादा यमी लगता है। ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसका स्वाद आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे बनाकर खुद खाएंगे। और अब हम इसे गार्निशिंग कर देते हैं इस तरीके से, काजू और बादाम, पिस्ता से। इसे आप ड्राई फ्रूट से जब गार्निशिंग करेंगे तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जब ये ड्राई फ्रूट्स आपके दाँत के नीचे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस तरीके से हम पिस्ते और काजू बादाम से
इसे गार्निशिंग कर देते हैं। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वही आप डालिएगा। श्रीखंड देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है ड्राई फ्रूट्स लगाने के बाद। देखिए खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं किया जाता। तो आप इसे बनाइए और अपने घर पे बड़े और बच्चों को सभी को खिलाइए। लंच या डिनर करने के बाद, खाने के बाद ही इसे खिलाइएगा। और ये लीजिए हमारा बनकर तैयार है श्रीखंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद और शेयर ज़रूर कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।